सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी गेम प्ले के अंदर हम लोग करने वाले आग के कमेंट गेम मिथ्स को कंफर्म या फिर बस्टेड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मिथ नंबर वन, ट्रेन के ऊपर डॉग मंगाओ, ट्रेन ऑन करो, डॉग हवा में रहेगा। ओके, तो लेट्स गो गाइस, इसको ट्राई करते हैं। तो गाइस जल्दी से मैं यहां से खड़े होकर ट्रेन के ऊपर जल्दी से दो चार डॉग को स्पॉन कर देता हूं। सो ओके गाइस, अभी हम यहां पर आ चुके हैं। और गाइस आप लोग यहां से साफ साफ देख सकते हो कि गाइस डॉग देखो किस तरीके से हवा में अटके हुए हैं, मतलब देख लो गाइस काफी ज्यादा अमेजिंग ग्लिच है। तो गाइस अब हम लोग जल्दी से इस ट्रेन को एक्टिवेट करके फॉरवर्ड कर देते हैं और देखते हैं गाइस क्या हमारे ये डॉग हवा में रुक पाते हैं या नहीं। तो चलो गाइस, मैंने जल्दी से फॉरवर्ड कर दिया ट्रेन को और ट्रेन आगे जा रही है और अब देखते गाइस क्या ये डॉग रुक पाते हैं यहाँ पे कि नहीं। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि गाइस डॉग अभी भी वहीं पर ही अपने आप हवा में अटके हुए हैं। तो एक बार इनके पास चलते हैं गाइस हम लोग देख के। और गाइस आप लोग ये देखो गाइस किस तरीके से दोनों डॉग हवा में अटके हुए, भाई काफी ज्यादा अमेजिंग ग्लिच है, तो यार मिथ होता है कंफर्म। मिथ नंबर टू, पहले आप जुरासिक पार्क के अंदर जाओ, फिर आप टीरेक्स के पास जाओ और 9129 को एक्टिवेट करो और फिर आप टीरेक्स के पास जाओ और फिर मैजिक देखो। सो ओके गाइस, फिलहाल के लिए गाइस मैं जुरासिक पार्क के अंदर आ चुका हूँ और गाइस सबसे पहले मैं चीट कोड एक्टिवेट कर देता हूँ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तो चलो गाइस, मैंने चीट कोड एक्टिवेट कर लिया और सामने गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे सामने एक डायनासोर है। तो चलो जल्दी इसके पास चल के देखते हैं क्या ये हमें मारता है कि नहीं। तो गाइस चलते हैं देखते हैं, ये शायद से अभी इसने मेरे को देखा नहीं। ओ गाइस देख लिया, ये हमारे ऊपर शायद अटैक कर रहा है। अबे भाई भागना पड़ेगा, लग रहा भागना पड़ेगा। गाइस मेरी तो फट रही है बहुत ही ज्यादा, मुझे ऐसे निकलना पड़ेगा, शायद से ये मुझे मार देगा। नहीं नहीं, ओ गाइस वेट, ये क्या हुआ गाइस? आप लोग देख पा रहे हो गाइस ये हम पे अटैक नहीं कर रहा, बट गाइस ये अग्रेसिव काफी है बट हम पे अटैक नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों, शायद ये चीट कोड की वजह से हो रहा गाइस ये। तो ये वाला मिथ होता है कंफर्म। मिथ नंबर थ्री, भाई आप 330 डायल करने पर जेट पैक मिलेगा, उसमें एक क्लोक होगी। सो ओके गाइस, चलो इसको भी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर एक जेट पैक को स्पॉन करता हूँ और इसको अच्छी तरीके से चेक करता हूँ कि भाई इसमें आखिरकार क्लोक कहाँ पर लगा हुआ है। तो चलो गाइस इसमें हम लोग अच्छे से चेक करते हैं, बट वेट गाइस ये देखो गाइस, आपको कुछ दिखा गाइस? वेट मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ गाइस, यस इसके अंदर एक क्लोक लगा हुआ भाई, जो कि आप लोग लिटरली देख पा रहे गाइस किस तरीके से क्लोक, भाई लिटरली इसमें आप लोग टाइम भी देख सकते हो, काफी ज्यादा अमेजिंग ग्लिच है। तो ये वाला मिथ होता है कंफर्म। मिथ नंबर फोर, मिथ अगर आप आजियस टूल में जितनी बार जेट डालेंगे तो आसमान में प्राइवेट जेट उड़ने लगेंगे। ओके, तो अगर ऐसा है तो चलो इसको भी ट्राई करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसके अंदर मैं जेट लिखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैं दो बार जेट लिख देता हूँ और देखता हूँ फिर क्या होता है इसके बाद। गाइस हम लोग देखते हैं इसके बाद गाइस क्या ही होने वाला है। तो आसमान में गाइस कुछ तो साउंड आ रहा है बट गाइस मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ओ वेट गाइस, हमने कुछ देखा वहां पे गाइस, ओ एक और गाइस, वो देखो दो दो जेट पैक हमें दिख चुके हैं गाइस। तो अगेन इसके अंदर हम लोग आरजीएस टूल के अंदर चलते हैं और वापस जेट पैक लिखते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है फिर से, क्या हमें फिर से जेट दिखेंगे। तो गाइस मैंने दो तीन बार लिख देता हूँ इस बार और इस बार देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, क्या ये हमें दिखते हैं वापस। ओह गाइस वो देखो गाइस, अगेन वो देखो गाइस, दो दो घूम रहे भाई, किस तरीके से अमेजिंग जेट पैक घूम रहे हमारे अराउंडिंग सराउंडिंग भाई, मतलब देख रहे हो काफी ज्यादा अमेजिंग ग्लिच है। तो यार मिथ होता है कंफर्म। मिथ नंबर फाइव, 33 वाली लैम्बोर्गिनी को ओल्ड हाउस के पास लेकर जाओ, लैम्बोर्गिनी के टायर जमीन के अंदर होंगे। ओके, तो चलो इसको भी ट्राई करते हैं। ओके, तो गाइस हमारी लैम्बोर्गिनी इधर खड़ी है और बट गाइस हमें अपने घर के पास में गाइस ऐसी लोकेशन ढूंढनी जहाँ पे हमारी लैम्बोर्गिनी का टायर दब सके। तो चलो जल्दी से ढूंढते हैं और अपनी लैम्बोर्गिनी उधर खड़ी करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, काफी देर के बाद गाइस हमें ये लोकेशन मिली और इसके अंदर गाइस आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हमारी लैम्बोर्गिनी का टायर जो कि अंडरग्राउंड दब रखा है, तो काफी ज्यादा अमेजिंग ग्लिच होता है कंफर्म। मिथ नंबर सिक्स, मिथ अगर आप 400 वाली बाइक स्पॉन करने के बाद उसको ब्लैक करो और फिर 3000 वाली बाइक को स्पॉन करोगे तो दोनों एक जैसे लगेंगे। ओके, तो गाइस हम यहाँ पर हम जल्दी से एक 400 वाली बाइक को स्पॉन कर दिए हैं और जल्दी से एक 3000 वाली बाइक को स्पॉन करते हैं और देखते हैं दोनों में क्या ही फर्क है। गाइस आप लोग अभी देख सकते हो किस तरीके से गाइस दोनों में फर्क देखा जा सकता है, बट गाइस हम लोग जैसे इसको ब्लैक कलर करते हैं गाइस, आप लोग लिटरली ये देखो गाइस, आप लोग गाइस थोड़ा दूर से देखेंगे तो गाइस आपको पता नहीं चलेगा भाई कि ये दोनों बाइक सेम नहीं है, बट गाइस आप लोग नोटिस करोगे तो गाइस इसका जो आगे का हेडलाइट और टैंकी है तो गाइस थोड़ा अलग है कावासाकी का, बट गाइस आप लोग थोड़ा लॉन्ग रेंज से देखेंगे तो गाइस आपको ये दोनों बाइक सेम लगेगी, तो इसका मतलब वाला मिथ होता है कंफर्म। सो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। और गाइस आपके पास भी ऐसी अमेजिंग मिथ्स है तो कमेंट में जरूर बताना, हम उसको भी ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।